वो इंटेलिजेंट हो, वो एक्टिव हो, आपकी भावना जो आप चाहते हैं वो उसके अंदर अंदर चली जाए और बच्चा सही मार्ग पर जाए। एक आशीर्वाद है, एक ममता है, एक वात्सल्य है, एक करुणा है, एक दया है, एक प्रेम है। और माँ से अधिक सच्चा सुच्चा प्रेम कोई नहीं करता। मैं जब माँ कहूं तो ये मत सोचना कि बाप की मैं वो कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हर पुरुष के अंदर स्त्री होती है, हर स्त्री के अंदर पुरुष होता है, क्योंकि ये शरीर दोनों से ही मिलकर बना हुआ है, 50-50 है दोनों। अगर देह पुरुष की है तो आपके अंदर स्त्री भी होती है, और स्त्री की देह है तो आपके अंदर पुरुष भी विराजमान है हमेशा। हमारी संस्कृति जिसने कहा अर्धनारीश्वर, अब अर्धनारीश्वर को लोगों ने क्या अर्थ दिया कि आधा शरीर महादेव का, आधा शरीर माँ भवानी का है, यूं देखा गया। लेकिन आपने उसकी गहराई में जाकर नहीं देखा वो कहना क्या चाहते हैं। उसका अर्थ यह कि हर हर शरीर में पुरुष और स्त्री ही विद्यमान है, हर शरीर के अंदर आपका आधा भाग 50% आप पुरुष हैं, 50% आप स्त्री ही हैं। मेरी देह पुरुष की है तो मेरा आधा 50% स्त्री का भी है, आपके अंदर स्त्री है तो 50% पुरुष का हिस्सा भी है। उसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है महाराज। इसलिए ममता दोनों में होती है, करुणा दोनों में होती है। इसलिए अपनी ममता को बच्चों में उड़े लिए, इन प्रथाओं को, इन गुनगुनाहट को बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप में कितने लोग हैं जिन्होंने लोरियां गाई होंगी, सुनाई होंगी? सच्ची सच्ची बताना, ईमानदारी से हाथ खड़े करो। कमी है। मैंने बहुत गाई माताई, ये मेरे पास ही सोती थी, मैं लोरी सुनाता था, ये तब सोया करती थी, है ना, याद है। इसलिए अपनी ममता, अपने प्रेम को अपने बच्चों के अंदर विकसित करो महाराज। और एक बार अब गोस्वामी, आइए आगे चलते हैं राम जी के चरित्र के अंदर। अब कहीं कहीं राम जी ईश्वर तत्व को जागृत कर रहे हैं, कहीं कहीं, जबकि फिर मैं रिपीट करूं बात को, कृष्ण और राम में अंतर क्या है। कृष्ण में जीव तत्व गुण है, ईश्वर तत्व उजागर है, और राम जी में ईश्वर तत्व को गुण कर दिया गया और जीव तत्व को उजागर किया गया। लेकिन कहीं 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 थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा सा। और कहते एक बार, एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पल ना पुड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन असनाना। एक बार क्या हुआ, मैया ने राम जी को दूध पिलाया और पल्ले में पुड़ा दिया। पल्ले में पुड़ाने के बाद राम जी सो गए, और फिर माँ कहाँ आई, स्नान किया, स्नान करके फटाफट नैवेद्य बनाया रसोई में जाके, किस लिए, श्री नारायण को चढ़ाने के लिए। और फिर मंदिर में गई, महल में जो मंदिर था, और भगवान के सम्मुख वो नैवेद्य रख कर आई और भोग लगाई। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राम जी को कहाँ छोड़ा, पल्ले में पुड़ा कर आई, फिर अपनी किचन में गई, नैवेद्य बनाया स्नान करने के बाद, फिर श्री ठाकुर जी के सामने रख के प्रभु भोग लगाइए, और फिर वापिस रसोई में आई ताकि और काम करूं। अपने हाथों से माँ काम करती है। और फिर थोड़ा समय बीत गया, प्रभु ने भोग लगा लिया होगा, मैं लेकर आऊं वापिस नैवेद्य, प्रसाद बनाऊं, अब प्रसाद बनाऊं। और कहते जैसे माँ गई तो क्या देखा, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा, बहुर मात तहवा चल आई, वापस आई, बहुर मात तहवा चल आई, भोजन करत देख सुत जाई। जैसे मंदिर प्रवेश किया, क्या देखा कि जो नारायण को नैवेद्य अर्पित करके गई है, उसके छोटे से लाला राम जी जिसको सुला के आई थी, वो बैठे खा रहे हैं, वो रामचंद्र भगवान की। अब मैया एकदम चौंक गई, राम यहाँ नैवेद्य खा रहे हैं, तो आंखों को मल के दिख रही है। अब देखा कोई भी नहीं था, अब देखा कोई भी नहीं था, बोले भ्रम था जो मैंने देखा। फिर दौड़ी दौड़ी गई वापस,
और जब वापस वहां पर गई तो पलने में राम जी सो रहे हैं। फिर सोचा, ममता के कारण कई बार ऐसा हो जाता है, मति भ्रम हो जाता है, प्रेम अधिक हो गया राम जी के प्रति, इसलिए ऐसा कुछ नजर आया होगा। फिर वापस आई, गए जननी शिशु पहि भए भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता, बहोर आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। फिर जब आई तो फिर वही दिखा दृश्य, और फिर आंखों को मल के देखे फिर कोई नहीं, फिर गई तो एकदम अचंभित, फिर लगा मां को भ्रम हो रहा है मुझे। और फिर करीब गई नैवेद्य उठाने के लिए, और जैसे उठाया तो क्या देखती है कि उस नैवेद्य में उंगलियों के निशान है। बोले, राजा राम सरकार की। अचंभित हो गई मां, इहां उहां दुई बालक देखा, यहां भी देख रही है वहां भी देख रही है। बोले, अगर मेरे मन का भ्रम था तो फिर इस नैवेद्य के अंदर उंगलियों के चिन्ह क्यों है। नैवेद्य रखा, मां दौड़ी दौड़ी गई, कहां गई वापस, फिर पलने पर गई, देखा राम सो रहे हैं लेकिन आंखें बंद हैं राम जी की, लेकिन यूं लगता था कि जैसे मुख में कुछ चबा रहे हैं। तो मां ने हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे हाथ आगे बढ़ाकर मां ने राम जी का मुख खोला तो गोस्वामी कहते हैं, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। जैसे मुख खोला तो राम जी ने छोटे मुख के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु मही कानन, काल करम गुण ज्ञान सुभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि रे गाड़ी, अति सभित जो रे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावे जाहि, देखी भगत जो जो छरताहि, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूद चरणन सरनावा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन विस्मया बंत देख महतारी, बये बहुर शिशु रूप खरारी, अस्तुति करना जाई भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जन कतहूँ कहस सुन माई, बार बार कौसल्या विनय करे कर जोर, बार बार कौसल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोर, अब जन कबहु व्यापे दर्शन माने किया, शरीर कांप गया और मां हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ी। और फिर मन में भाव क्या आया, महाराज जिसको पुत्र समझ रही हूं वो तो पिता निकला, जगत पिता निकला, अपराध हो गया है, गोविंद क्षमा कीजिएगा, कई अनुचित व्यवहार मैंने कर दिए होंगे आपके साथ, आप पूर्ण परमेश्वर हैं, आप ब्रह्म हैं, निर्गुण सगुण बनकर मेरे यहां पर आया। मूर्छित हो गई मां, मूर्छित हो गई। जब होश आया, अब विचार करने लगी, ये जो मैंने देखा था क्या वास्तविक था, कुछ स्वप्न देख रही थी, कुछ दृष्टांत देख रही थी, सच था झूठ था, मेरे मन का भ्रम था, क्या था। अब उलझन में है मां, उलझन में है। समाधान कौन करेगा, संत करेगा। गुरुदेव को बुलाया, निवेदन करना चाहती हूँ गुरुदेव, अपने मन की बात सारी कह दी, आज मैंने ऐसा कुछ देखा था, अपने राम के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया, सच कहिए ये मेरे मन का भ्रम था या मैंने यूं ही कुछ प्रेमवश प्रेम की अधिकता के रूप में ये कुछ कल्पनाएं कर ली हैं, ऐसा कुछ है
वास्तविकता क्या है, मैं संभाल नहीं पा रही अपने आप को, सच कहिए क्या है। तब गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, जो आप देख रही हैं वो परिपूर्ण सत्य है, आपके यहाँ आने वाला साधारण बालक नहीं है, परिपूर्ण निर्गुण ब्रह्म राम बनकर आपके घर पर आया है। और फिर माँ राम जी से प्रार्थना करती है, गोविंद क्षमा कीजिएगा, आप परमात्मा हैं, मैं पुत्र समझकर आपसे वात्सल्य कर रही हूँ। लेकिन आप फिर ध्यान दीजिएगा, कृष्ण और राम की इस लीला के अंदर माँ यशोदा को भी यही रूप दिखाते हैं। माँ यशोदा भी काम जाती है, प्रभु आप परमात्मा हैं, मैं पुत्रवत प्रेम करती रही। लेकिन ये बातें प्रभु को अच्छी नहीं लगती, किस लिए? क्योंकि इस रूप में भगवान वात्सल्य लेने ही आए हैं, प्रेम लेने ही आए हैं। और अगर कहीं इनको याद रह गया कि मैं परिपूर्ण ब्रह्म हूं, तो फिर जो जो प्रेम मिलना चाहिए वो कहां मिलेगा महाराज? अगर आपको खबर लग जाए अगम साक्षात निर्गुण ब्रह्म है, कहां प्रेम कर पाओगे महाराज? फिर तो हाथ जोड़े खड़े रहोगे, वही भगवान है, भगवान है। नहीं, दादी भी कहेगी, कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, स्कूल नहीं जाना, मत जा, तू साक्षात परमात्मा है, सब चलेगा, कोई चक्कर नहीं, है ना। फिर ये थप्पड़ लगाना, ये बोलना, डांटना सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया वो परमात्मा है, आपको खबर लग गई वो ब्रह्म है। इसलिए भगवान भी इस रहस्य को जानते, प्रभु ने कहा है छोड़ो, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे वात्सल्य चाहिए, मुझे ममता चाहिए। और ममता तभी मिलेगी जब सामने वाला भूल जाए कि मैं कौन हूं। और प्रभु ने अपनी माया डाली, भुला दिया। बार बार कौशल्या विनय करी कर जोर, मां कहती, विनती करती, प्रभु अब के बाद ये माया मत दिखाना, क्योंकि क्योंकि ये माया अगर आपको याद रह गया वो ब्रह्म है तो दूरी हो जाएगी, दूर हो जाओगे आप, दूर हो जाओगे। इसलिए अच्छा है कि ना याद रहे, आपके घर में परमात्मा आ जाए। देखो आपके घर में जो आया, जो आपके बच्चे हैं, यकीन मानिए वो कृष्ण ही है, वो राम ही है, क्योंकि प्रभु ने उनको अपना रूप, अपना स्वरूप सब कुछ देकर ही भेजा है। उनमें हर गुण है, उनके अंदर कोई छल नहीं होता, बच्चों के अंदर कोई कपट नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, कोई कामना नहीं है, बच्चे बिल्कुल निर्मल चित्त हैं, शुद्ध चित्त हैं, और बड़े मधुर हैं, मधुरिमास से युक्त हैं, वो साक्षात ब्रह्म ही है, साक्षात ब्रह्म है। लेकिन उस ब्रह्म को भी ध्यान दीजिएगा, उस ब्रह्म को भी मीठी मीठी गालियां, डांट अच्छी लगती है, महाराज अच्छी लगती है। जब यशोमती मैया कस के दो थप्पड़ जड़ते कन्हैया को, अरे महाराज देवतागण सोच रहे आकाश में खड़े, ओहो सकल विश्व का भय भयभीत होता है जिस ब्रह्म से, जो जो अपने संकल्प से अनेक अनेक सृष्टि का निर्माण कर देता है। देखो मैया के सामने कैसा डर के बैठे, और यही तो आनंद है, यही भगवान की माधुरी का आनंद है कि जब प्रभु धराधाम पर प्रकट होता है तो भगवान को माँ चाहिए, भगवान को पिता चाहिए, भगवान को डांट चाहिए, भगवान को ये लाड चाहिए। कभी हाथों से खिलाना, कभी डांटना फटकारना, कभी पीछे पीछे मैया का घूमना, मिन्नते करना, लाला एक एक खा ले, एक निवाला खा ले, थोड़ा सा खा ले, फिर सौ सौ बार विनती करने के बाद कहीं एक बार श्याम सुंदर चखते हैं। ये सब लाड ब्रह्म खुद चाहता है, परमात्मा खुद चाहता है। इसलिए कभी 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 वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर हमारे मध्य में आता है, हमारे बीच में आता। आराम जी आए हैं। बाल चरित हरि बहु विधि की ना, खूब बाल चरित कर रहे हैं। राम जी थोड़े और बड़े हुए, तोतली बानी में प्रभु ने बोलना शुरू किया, बड़े सहज, अब करदनी बांधने लगे, चरणों में नुपुर है, और ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, चरणों में नुपुर छम छम बजती है। राजा दशरथ तीनों माताएं देख देख कर आनंदित हो रही हैं, खूब आनंद, चारों भैया खूब आनंद उत्सव कर रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं। प्रभु थोड़े और बड़े हुए, थोड़ा जल्दी चलते हैं, है ना, क्योंकि क्योंकि मन में तो भाव यही है कि आज जयमाला हो जाए, सीताराम जी का मिलन हो जाए, क्योंकि दिन कम है। और मेरा मन का भाव है थोड़ा थोड़ा जो आगे वनवास की यात्रा का कोई कोई प्रसंग आए, पूरी की तो कल्पना मत करना नौ दिनों के अंदर, वो थोड़ा बहुत प्रसंग कुछ चले वनवास की यात्रा का भी,
रावण को नहीं मारना हमने, क्योंकि रावण मरा नहीं, महाराज अनंत रूपों में प्रकट है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। रावण प्रकृति है महाराज, मैंने पहले कहा कथा क्या करती है, आपके राम को जागृत करती है। हम सब में राम भी है, हम सब में रावण भी समाहित है, हम सब में जब अहंकार का पोषण होने लगे समझना रावण जागृत हो रहा है। कथा में बैठे बैठे जब नींद आने लगे तो समझना आपका रावण जागृत हो रहा है। और पड़ोसी को किसी को नींद आ जाए ना बीच में, थोड़ा कुनी मार के जगा देना। और ये मत कहना कि तू सोया था, वो कभी नहीं मानेगा महाराज, पूछ के देख लेना। सोने वाले व्यक्ति को कुनी मार के जगाओगे और बोलोगे तू सो रहा था, कभी नहीं मानेगा, वो कहेगा ए पागल बंदा, बोले मैं तो मिलन कर रहा था, अभी राम आने ही वाले थे, अभी कृष्ण का दर्शन होने वाला था और तूने बीच में डिस्टर्ब करके रख दिया, कभी नहीं मानेगा। बस मार के छोड़ देना थोड़ा सा, नींद आने लगे तो समझना रावण जागृत हो रहा है। और प्यास जागृत होने लगे, ललक जागृत होने लगे प्रभु के प्रेम की, तो समझना आपके चित्त का राम जागृत हो रहा है। और कथा आपके राम को जागृत करने के लिए है बस। ये मानवी कथा है, ध्यान दीजिएगा, मानव कैसे रहे, कैसे जिए, क्या करे, ये राम से तो उसके लिए है। महामानव की कथा है, महामानव की, जिसने नियति को स्वीकार किया। फिर कहूं लेकिन कैसे, प्रक्रम के साथ। वन गमन करना, वनवास की यात्रा पर जाना एक झटके में, ये राम जी को नियति है। ये जो विधना का खेल है महाराज, वो सामने आया। लेकिन वन गमन करके फिर अपना प्रक्रम भी सामने आता है। जैसे मैंने पहले कहा सीता जी का मिलन नियति है, जानकी जी के साथ मिलन होगा, ये राम की नियति है, लिखा हुआ है कि मिलन होगा। लेकिन सीता जी को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, वो प्रक्रम से करना होगा। यूं ही नहीं मिल तो सकते हैं, लेकिन प्राप्त कैसे होगी, प्रक्रम से होगी। तो इसलिए हमारे जीवन में नियति भी है और फिर प्रक्रम भी है। कभी कभी नियति आती है, हमारा समय खराब आ जाता है, कोई कष्ट आता है, तो उसके अंदर धैर्य रखना हमारा प्रक्रम है। उस समय को साहस के साथ निकाल देना, ये हमारा प्रक्रम है। नियति सबके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन साहस हर कोई नहीं कर पाता। साहस को जागृत करने के लिए राम है, जो अपना प्रक्रम नहीं छोड़ते। सीता जी का हरण होना ये नियति है, सीता जी का हरण हुआ, राम और सीता का वियोग हुआ, ये नियति है। लेकिन फिर सीता जी की खोज करके, रावण को पराजित करके, आसुरी शक्तियों को विध्वंस करके जानकी को वापस लेकर आना, ये राम जी का प्रक्रम है। इसलिए नीति को स्वीकार करो लेकिन प्रक्रम के साथ साथ में चलते रहो। आइए चलते हैं आगे, प्रभु थोड़े और बड़े हुए हैं और फिर श्री ठाकुर जी गुरुकुल में जाएंगे गुरुदेव के पास शिक्षा हासिल करने के लिए। और राम चले हैं गुरुदेव के साथ, यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, एक भिक्षु की तरह प्रभु सन्मुख आए हैं, माताओं से भिक्षा लेते हैं और फिर प्रभु चले। जाकी सहज स्वास्थ्य श्रुतिचारी, सोहरि पड़ यह कौतुक भारी, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने हो गुरु पित माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या सुहाई। जाकी सहज स्वात श्रुतिचारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्ये विने निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। गुरुकुल में प्रवेश हुआ, जो आए हैं सबको पढ़ाने उनको कौन पढ़ाए, जो आए हैं सबको सिखाने उनको कौन सिखाए। ये सब तो एक खेल है मैया इस जग में आने का, वरना जिसके अंतर से संकल्प से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, प्रादुर्भाव हो रहा है महाराज, तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा नृस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उसको कौन पढ़ाएगा, उनको कौन सिखाएगा।
लेकिन नहीं, सदगुरु की महिमा क्या है, गुरुदेव की महिमा क्या, भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव और गुरुदेव की प्रतिष्ठा, इसलिए रघुनाथ गए गुरुकुल के अंदर। फिर 15 वर्ष की आयु तक भगवान ने सब एक साधारण बालकों की तरह रहे, साधारण वस्त्र पहने, बड़ी सीधी सादी जिंदगी को व्यतीत किया। वन में जाना, लकड़ियां चुनकर लेकर आना, समीधा लेकर आना, गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, बड़ी बड़े आनंद भाव से बैठकर गुरुदेव जो सिखाते हैं उसको सीखना, सब राम जी ने किया। शालीनता और हर प्रकार की विद्या हासिल की, हर प्रकार की, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान, गणित की शिक्षा, अर्थशास्त्र की शिक्षा, नीति की शिक्षा, राजनीति, धर्म नीति, हर प्रकार की नीति, धनुर्विद्या, आयुर्वेद, सब प्रकार का जो शिक्षा ज्ञान था वो राम जी ने गुरुकुल में प्राप्त किया। और जब 9 वर्ष के हुए, ध्यान दीजिएगा, जब रघुनाथ जी 9 वर्ष के हुए हैं तब जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, तब सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि दोनों में 9 वर्ष का अंतर है, राम जी में, सीता जी। मैं इतना कहूंगा कि राम ब्रह्म है, राम परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा को जन्म देने के लिए भारत में एक महिला होती है, कौशल्या, जो राम जी को प्रकट किया। लेकिन सीता जी का पात्र कितना ऊंचा है, आप विचार करो, पूरे सकल विश्व की सहनशीलता का एक रूप बनाइए तो वो भगवती जानकी जी हैं, सीता हैं, और उनका पात्र इतना ऊंचा है महाराज कि उस सीता को जन्म देने के लिए किसी में भी क्षमता नहीं थी, मां में, किसी मां में क्षमता नहीं थी, तो संतों ने मिलकर उस जानकी को धरती से प्रकट किया है। इतना ऊंचा पात्र जानकी का है, इतना ऊंचा, पूरी सहनशीलता की प्रतिमूर्ति। जीवन में इतने कष्ट आए जानकी अम्बा के, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, कभी सुख की फरियाद नहीं की राम जी के सामने, पल पल चलती रही, जितनी नियति उसको स्वीकार करके, परक्रम के साथ, साहस के साथ जानकी अम्बा चलती रही है, हर पल साथ दिया। आज राम 15 वर्ष के जब होते हैं तब फिर वापस अयोध्या में आए हैं, और देखो आने के बाद फिर गोस्वामी कहते कि राम जी का दैनिक जीवन कैसा हो गया, उनका स्वभाव कैसा हो गया, उसमें परिवर्तन आया है। गुरुदेव के आश्रित होने के बाद फिर राम जी के स्वभाव में भी कुछ अंतर है। तो यहाँ पर विशिष्ट जी और राम जी की आपस में वार्तालाप भी होती है, कई प्रकार के प्रश्न राम पूछते हैं, वशिष्ठ उसके अंतर देते हैं, तो इसलिए उसमें से एक वशिष्ठ महारामायण का प्रादुर्भाव भी हुआ है। विशिष्ट महारामायण के अंदर गुरुदेव और राम जी के आपस में जो प्रश्न हैं उनका संवाद है, यहाँ सब संवाद रूप है। और जब राम वापिस आए और फिर कैसा संवाद हुआ, वेद पुराण सुनहे मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। फिर आए प्रात काल उठ के रघुनाथा। अब राम जी के चरित्र को देखिए और राम जो करते हैं उसको अपनाने का कोशिश करें, क्योंकि राम एक साधारण मानव को कैसा होना चाहिए, मनुज कैसा होना चाहिए, वो शिक्षा देते हैं। मानवता खत्म नहीं होनी चाहिए, आप केवल शरीर धारण करके मानव नहीं कहलाएंगे जब तक आपके अंदर मानवता का गुण नहीं होगा। प्रकृति राक्षसी हो तो आप मानव नहीं कहे जा सकते, मानव के कुछ गुण है महाराज, उन गुणों को अंदर होना आवश्यक है। इसलिए अब दैनिक नियम कैसा हो गया, प्रात काल उठ के रघुनाथा, भोर होने से पहले उठ जाते हैं, ये राम जी का नियम है, भोर होते ही उठते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर उसके बाद मात पिता गुरु ना वही माथा। अब ये सब ध्यान से समझिएगा बात को, सुबह सुबह जल्दी उठिए, प्रभु का चिंतन करें, फिर अपने बड़ों का सत्कार करें, उनके चरणों का स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, ये राम जी का नियम है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रणाम करो, ये भारतीय संस्कृति है, बच्चों को प्रणाम करना सिखाया जाता है, इसकी बड़ी विशिष्टता है। प्रणाम का अर्थ क्या है, झुकना, और झुकने का अर्थ विनम्रता। जितना झुकोगे अहंकार टूट जाएगा, झुकना माने अहंकार तिरोहित हो गया, विनम्रता आएगी, जितनी विनम्रता आएगी उतनी आप परमात्मा को अरीब करीब महसूस करेंगे, उतना अधिक।
इसलिए हमने केवल व्यक्तियों के सामने झुकना नहीं सिखाया, ये ताया जी ताई जी, ये दादा दादी नाना नानी झुको, हम झुके, लेकिन क्या केवल व्यक्तियों के सामने झुकना सिखाया? अब ध्यान दीजिए, हमने नदियों के सामने झुकना सिखाया, ये गंगा मैया है, यमुना महारानी है, प्रणाम करो, हमने किया। वृक्षों के सामने झुकना सिखाया, पीपल देवता वट देवता प्रणाम करो, इसके पीछे बड़े वैज्ञानिक कारण है महाराज। आज के लोग कई बार बिगड़ैल मन बोल देते, बोले क्या फर्क पड़ता है, क्यों? थोड़ा भीतर जाइएगा, भारत के संस्कृति ने जो बनाया, भारत के पूर्वजों ने जो बनाया, हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने जो बनाया, बड़े वैज्ञानिक आधार पर बनाया। झुकाव, आपका अहंकार त्रोहित हो, आपके अंदर विनम्रता आए, आपके अंदर सहजता हो, थोड़ी सरलता हो, पर्वतों के सामने झुकना सिखाया। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, महाराज आप कहते हैं कि प्रणाम करो झुको, तो जिसके सामने झुक रहे हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति इस लायक ही ना हो कि झुका जाए, ये भी प्रश्न कई बार होता है कि जिसके सामने झुका जाए, महाराज वो इस लायक ही नहीं है तो क्यों झुके। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है कि जिसके सामने झुका जाए वो व्यक्ति लायक नहीं है, तो एक बात समझ लीजिएगा, आप किसके सामने झुकते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप किससे किसके सामने झुकते हैं ये बात ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप झुक रहे हैं ये बात महत्वपूर्ण है, आप झुके और वो आया। इसलिए मंदिरों में जाइए, मंदिरों में क्या है, मंदिरों में भगवान की प्रतिमा है, मूर्त है, भगवान का विग्रह है, वहां हम झुके। मस्जिद में जाइए, मस्जिद में प्रतिमा तो नहीं है लेकिन झुकना तो वहां भी है, झुकाव तो वहां भी है। गुरुद्वारे जाइए, झुकना तो वहां भी है, कहीं पर जाइए झुकाव तो वहां पर भी है। महाराज पेड़ को फल लगता है वो भी झुक जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर गुण होगा वो झुकेगा। अब इस झुकने के अर्थ को अन्यथा मत लीजिएगा, झुकने का अर्थ माने अंदर की सहजता, अंदर की निर्मलता, अंदर की पावनता, अंदर की पवित्रता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन सहज है, झुका हुआ सा, झुकने वाले को आप कमजोर मत समझना, भक्त झुका दिखेगा, हाथ जुड़े मिलेंगे, उसके नेत्र सजल मिलेंगे, विनम्रता दिखेगी, भाव दिखेगा, लेकिन अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जो सागर उनवता है महाराज, जिसको विश्वास अपने गोविंद का है, जिसको नाम का भरोसा है, ऐसा भक्त का अंतर्चित होता है। इसलिए रघुनाथ क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, आवश्यक है, अपने सदगुरु का आशीर्वाद लो, अपने अध्यापकों का आशीर्वाद लो, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, घर के जो बड़े हैं उनको प्रणाम करो, ये आदत डालो, प्रणाम में बहुत शक्ति है महाराज, बहुत शक्ति है। मार्कंडेय जी की आयु मात्र 12 वर्ष की थी, पिता बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, त्रिकालदर्शी थे, देख लिया इसकी आयु मात्र 12 वर्ष है। बोले 12 वर्ष का बालक है ये, क्या सिखाऊं इसे मैं, बस एक चीज सिखाई, बेटे एक ध्यान रखना, कोई मिले प्रणाम करना।